top 10 private bee schools in India. Our focus is on cutting edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech, excellence with values. पूरे देश में जिस तरह से पत्रकारों के ऊपर हमले बढ़ रहे हैं, चाहे केरला हो, चाहे पटना हो, चाहे चंडीगढ़, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मैं कहूँगा जर्नलिस्टों को इकट्ठे होकर मुकाबला करना चाहिए। ये तो ऐसे लोग हैं जो हमको चुप कराना चाहते हैं। हम तो अंग्रेज़ के वक्त नहीं चुप हुए, बाद में चुप आप कहाँ। हम तो लड़ेंगे खूब और डट के लड़ो। सर, आज जो पत्रकारिता के ऊपर सवाल उठते हैं सत्ता के साथ, एक ये कहा जाता है भागी, ये जो देखो पत्रकार जो है उसे साफ होना चाहिए। अब मुझे लगता है जैसे धुंधला हो गया, तो पत्रकारिता पे भी खुद के दाग है। हाँ है ना, कंप्रोमाइज़ हो गया ना लगता है। तो अभी तो मैं कह रहा हूँ कि वो पत्रकार नहीं रही जो कि पहले थी। तो क्या कोशिश भी बढ़ी है सत्ता की, पत्रकारिता की आवाज़ दबाने की? देखो एक के बेडर हो के सब कुछ कहते थे, लेकिन अब ऐसा लगता है पॉलिटिकल पार्टियों में बट गए। थैंक यू सर। सोसाइटी में बिलीव करते हैं
तो मैं जाया करता था, ये सिर्फ भाषण के लिए नहीं बल्कि आरोपी गांधी जी को देखना। बहुत सालों के बाद मेरे बच्चे और उनके बच्चे पूछेंगे कि आपने गांधी जी को अपनी आंखों से देखा। मैंने कहा ये बहुत बड़ी बात है। उस मीटिंग में एक पंजाबी शरणार्थी होके आया था, तो उसने मुझे कहा बापू अब गौर हो गया हम ये पूरा नहीं सुन सकता, क्योंकि गांधी जी की सभा में पहले बाइबल पढ़ी जाती थी, फिर कुरान पढ़ा जाता और फिर उसके बाद मगर कोई आदमी पे तर्क नहीं करे या कहे गांधी जी उसका बहुत आग्रह करते थे। उस आदमी ने कहा कि बापू हो गया ना ये बहुत कुरान आदमी। गांधी जी ने कहा ठीक है सवाल ही होगी सवालियों में। फिर उसके बाद दूसरे दिन तीसरे दिन गांधी जी आते थे लेकिन सभा नहीं होती क्योंकि वो आदमी नहीं मालूम था। फिर कोई हफ्ते के बाद उसने उसके कहा बापू मैं अपनी जो प्रिपरेशन मंदिर उसको मैं वापस करना वापस कहता हूँ क्योंकि ठीक है आप लोग समझते हैं मैं। तो गांधी जी ने तब कहा कि देखो मैं नहीं पता कि तुम्हारी क्या मानता कमीशन मान, लेकिन मैं अपने घर में जाके अपने समाज में जाके ये बोलना किसी को जो आप किसी को चुप कर बात बता रहे हैं और बात क्या तो बात क्या है आप उसको कन्विंस कीजिए। अगर कन्विंस नहीं कर सकते तो दूसरा तो उसे कैब में दूसरे तीसरे दिन अपनी दिल्ली वापस। लेकिन आज तो मुझे दिक्कत भी जो बात करे उनकी चीज मेरे थोड़ी क्योंकि आज की जो हुकूमत है जो आज की हुकूमत है वो लोगों को बात करे जिन्होंने देश को बांटा था ये लोगों को बांट रहे हैं। कभी कभी किसी मदद का कभी मदद का कभी प्यार का हम सब हिंदुस्तान हैं हिंदुस्तान में और हमें मौका लगे हिंदुस्तान में। लेकिन ये कि हम कहीं मुसलमान भी हैं कोई हिंदू भी हैं सिख भी हैं ठीक है ये हमारी सोसाइटी है। देखिए यहाँ से लेके आप कह रहे